हाँ नमस्कार दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ मकोए के पेड़ का पहचान करने के लिए। देखिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। इसे मकोए ऐसे जंगली पौधा समझ के लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, भूल छोड़ देते हैं, लेकिन ये आपको बता दूँ कि लीवर और हार्ट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। स्प्लीन जैसे तिल्ली बढ़ जाना, जलोदर हो जाना, पेट में पानी भरना, सब इन चीज़ों में काम आता है। और ये दिव्य कल्प में भी काम आता है, बहुत से होता है। तो इस पौधे की मैं पहचान कराने के लिए आया हूँ, बीमारी के बारे में नहीं बता रहा अभी, उसमें बता दूंगा। और अगर पीलिया हो गया है तो इसको पूरा हम जड़ से पंचांग उखेड़ लेते हैं, इसकी पत्ती को खाते हैं तो पीलिया भी सही हो जाता है। तो इसमें ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप पत्ती ये देख लीजिएगा, पत्ती इसके फूल भी इस तरह होते हैं छोटे छोटे। पत्ती आपने देख ही लिया हुआ ऐसे ही है, और इसमें फल ये हरे रंग के लगते हैं जो पकने के बाद काले हो जाते हैं, इस तरह ये हरे से काले हो जाते हैं। और ये इसका पौधा है, इसका साग भी बनता है, जैसे ये हम पालक वगैरह बनाते हैं, तो ये नरम पत्ती का हम साग भी बना सकते हैं, भाजी भी। तो पेट की सारी प्रॉब्लम जाती रहेंगी। और ये हार्ट और लीवर के लिए रामबाण है, तो हम लोग तो बचपन से इसको खाते आते हैं हमारे खेतों में। तो देखिए मैंने अभी बगल में, यहाँ मेरे पे बहुत सारे पेड़ हैं अभी, तो ये छोटा पेड़ साइड में था तो ये झाड़ी में से एक पेड़ लाया हूँ। इसमें देखिए ये वही चीज़ है और इसमें पक चुके हैं फल। ये देखिए फल बहुत ही कीमती फल है, लेकिन इसको कोई खाता नहीं है। अब इसकी बिल्कुल अवहेलना की गई है, अपेक्षित फल है। इस पर डस्ट लगा, इसको फल तोड़ने से पहले ना इसको धो लेना चाहिए, नहीं तो इसमें जो क्या है कि धूल धक्कड़ मिट्टी है वो लग जाते हैं। इसके बीज देखिए बड़े छोटे छोटे बीज हैं, मेरे यहाँ तो बहुत इसके पेड़ ही है बीज। इसमें हरे रंग का रस निकलता है और जो पत्ती है पत्ती से भी निकलता है। तो आपको कोई भी पीलिया हेपेटाइटिस सी है तो उसमें भी ये, मैं तो नहीं कह रहा 100% ठीक है, लेकिन उसमें क्योर करता है, फ़ायदा करता है। इस तरीके से बीज आ गया और इसको हम खा सकते हैं, ये बिल्कुल साफ़ है। तो स्वादिष्ट का मीठा लगता है, काला हो जाने के बाद ये मीठा लगता है। इस तरीके से मैंने आपको पेड़ की पहचान दिखा दी है। ऊपर करो कैमरा, ये आप देख लीजिए पत्ती है, फूल आपको हम दिखा ही चुके हैं। पकने के बाद ये काले फल हो जाते हैं, आप देख सकते हैं काले, मेरे दूसरे हाथ में ये है। ऊपर से करो, ऊपर से दिखाओ ढंग से, ये तो इसे हम खा सकते हैं। आप अगर देखना चाहें तो मैं खा लेता हूँ इसे, हम तो बचपन से ही खाते आ रहे हैं। बहुत ही मतलब मीठे होते हैं। एक इसकी एक वरायटी होती है लाल रंग की, जिसमें लाल फल होते हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप। तो इसी के साथ ही आप लोगों को मकोई की मुझे पहचान कराएं, जो कि आप पहचान गए अच्छे तरीके से, और इसको प्रयोग करिएगा और इसको कहीं पे देखिएगा तो ज़रूर खाइएगा। इसके साग भी खा सकते हैं, इसके पंचांग भी ले सकते हैं, इसका जड़ भी ले सकते हैं, और इसके फल तो आपके हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बाकी चीज़ें भी शरीर के लिए, लीवर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसी के साथ ही आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।